हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MIUI 10 के एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में, जिससे आप अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में बटन में स्टेटस बार अनेबल कर सकते हैं और बिल्कुल एंड्रॉयड 9.0 पाई के तरह ही दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में जो MIUI 10 पे अपडेट है उसके नीचे जो है दोस्तों बटन में आप स्टेटस बार अनेबल कर सकते हैं, बिल्कुल एंड्रॉयड 9.0 पाई की तरह दिखेगा। ये काफ़ी अच्छा है बिना किसी रूट करे। अगर जानना चाहते कैसे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सबसे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई सा भी Xiaomi का डिवाइस यूज करते हैं MIUI 10 के अपडेट में, तो दोस्तों आप जो है उसके बटन में स्टेटस बार को अनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जो बिना रूट करे ही आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई की तरह दिखने लगेगा स्टेटस बार। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन चाहिए जिसका नाम है बटन क्विक सेटिंग। तो देख सकते हैं इस तरह का एप्लीकेशन, इसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू बटन क्विक सेटिंग आएगा, तो आपको जो स्वैप करना है, फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ परमिशन आते हैं जिसको देने से काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सभी को परमिशन दे देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी को परमिशन दे दिया, आप भी दे दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे जो आपको खुद ही गाइड करेगा क्या क्या आपको आगे करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह देख सकते हैं बता रहा है कि आपको जो है सबसे पहले सर्विस को रनिंग करना है यहाँ पर अनेबल। तो यहाँ पर ये चीज़ करना होगा, तो यहाँ पर सर्विस नोट रनिंग लिखा हुआ है तो इसे अनेबल कर लीजिए सबसे पहले। तो अनेबल करने के बाद नीचे टैप टू कंटिन्यू करिए, तो ये सर्विस जो है दोस्तों अनेबल हो चुका है। अनेबल होने के बाद आप नीचे देखेंगे आपके मोबाइल के बटन में, तो दोस्तों एक आपको जो कुछ दिखेगा स्लाइड का ऑप्शन, तो उसे जो आप ऊपर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड 9.0 पाई की तरह ही लुकिंग दिख रहा है, बटन में स्टेटस बार आ चुका है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप अपना सभी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ या बैटरी सेविंग, पोर्ट्रेट, जो भी आप टॉर्च वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर भी है दोस्तों। पहला पे अगर क्लिक करेंगे तो ये प्रीमियम है इसलिए ये ओपन नहीं होगा, आपको परचेस करना होगा, तो बैक कर लीजिए। उसके बाद सेकंड पे स्लाइडर्स है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है स्लाइडर का, अलार्म, मीडिया, तो मैं मीडिया को अभी अनेबल कर देता हूँ, उसके बाद बैक करता हूँ। अब आप नीचे से स्वैप करेंगे ऊपर की ओर तो देखेंगे यहाँ पे मीडिया का एक वॉल्यूम ऐड हो चुका है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम को आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये फीचर जो है ऐड हो चुका है। उसके बाद आगे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कलर्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी दोस्तों प्रीमियम है, ये आपको खरीदने पे ही मिलेगा ये सब फीचर, तो बैक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ हैंडल है, तो हैंडल पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, ये पहले से डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, तो बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद लेआउट का एक लास्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेआउट से ये होगा दोस्तों, आप कुछ कस्टमाइज कर पाएंगे इसके अंदर, ये जो नोटिफिकेशन बार है स्टेटस बार बटन में, तो इसमें आप कुछ चेंजेस कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो यहां देख सकते हैं आप नंबर ऑफ कॉल्यूम अभी 4 पे है, तो दोस्तों इसे अगर आप 5 पे या 6 पे कर देंगे तो स्लाइड आप नीचे अगर स्टेटस बार करेंगे तो देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। तो यहीं पे दोस्तों इस तरह का कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं लेआउट में जाके, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो दोस्तों ये बटन में स्टेटस बार इसलिए आपको अनेबल करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कई बार बड़ा फ़ोन होता है तो दोस्तों हाथ आपका ऊपर नोटिफिकेशन पर नहीं जा पाता है, लेकिन दोस्तों ये नीचे अगर रहेगा तो काफ़ी अच्छे से इसे यूज कर पाएंगे, पूरा का पूरा आप कंट्रोल कर पाएंगे टॉर्च को, मोबाइल डाटा या ब्लूटूथ, जो भी यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं वाईफाई वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दूँ कि आप अगर रिसेंट पे क्लिक कर ले सबसे पहले ऐप को, और दोस्तों ये जो बटन क्विक सेटिंग का एप्लीकेशन, इस पर अगर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ लॉक का ऑप्शन आता है, तो इस पर लॉक कर दीजिए। लॉक करने से ये होगा दोस्तों, क्योंकि Xiaomi में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इस अगर यहाँ पे रिसेंट से हटा देते हैं तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो ये अभी लॉक हो चुका है, तो अब अच्छे से वर्क करेगा और आपके नीचे बटन जो है स्टेटस बार लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है स्टेटस बार को, इसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।